मुलायम सिंह अपनी बहू के कारण प्रधानमंत्री बनते बनते कैसे रह गए थे? क्या वाकई डिंपल ही थी वजह, या लालू यादव ने तोड़ा था भरोसा? सिंपल सी दिखने वाली डिंपल यादव आज राजनीति की वो हस्ती बन चुकी हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक घराने से अलग अपनी खुद की एक पहचान गढ़ी है। ये समाजवादी पार्टी सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और दिवंगत मुलायम सिंह यादव की बहू हैं। डिंपल यादव की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि ये राजनीति के मैदान में कई बार अपनी गहरी छाप छोड़ चुकी हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। बात उन दिनों की है जब साल 1996 में मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर में एक बड़ा उछाल आने जा रहा था। पूरी संभावनाएं और लगभग सारे समीकरण इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उनके हाथ आया मौका निकल गया और उनके अरमान धरे के धरे रह गए। राजनीति के जानकार और तमाम सियासी पंडित ये माने बैठे थे कि प्रधानमंत्री पद के सिंहासन पर मुलायम सिंह यादव ही आसीन होंगे, क्योंकि उनके नाम पर मुहर लगनी बस एक औपचारिकता रह गई थी। यहाँ तक कि शपथ ग्रहण की तारीख और समय तक तय हो गया था, लेकिन ऐन मौके पर लालू प्रसाद यादव ने मुलायम सिंह को इस पद के लिए समर्थन देने से इनकार कर दिया। जानकार कहते हैं कि लालू यादव उन दिनों अपनी बेटी का विवाह अखिलेश यादव से करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव उन दिनों डिंपल यादव के प्यार में थे और उन्हीं से विवाह करने का मन बना चुके थे। अखिलेश को मनाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन वो परवान न चढ़ सकी। कहा जाता है कि इसी बात से खफा लालू यादव और शरद यादव ने मुलायम को समर्थन न देकर एचडी देवगौड़ा को दे दिया और इस तरह से देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। हालांकि वे भी ज्यादा समय तक उस पद पर नहीं बने रह सके। हालात ऐसे बने कि 2 साल के भीतर भीतर देश को 3 प्रधानमंत्री मिले। अखिलेश यादव ने आगे चलकर डिंपल से विवाह किया। डिंपल मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली हैं और इनके पिता सेना में कर्नल रह चुके हैं। अखिलेश यादव की मुलाकात डिंपल से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए तब हुई थी जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। तब अखिलेश 21 बरस के तो डिंपल महज 17 साल की थी। आगे चलकर दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो बात शादी तक पहुंची। कहा जाता है कि मुलायम सिंह शुरू शुरू में राजपूत परिवार से आने वाली डिंपल का विवाह अखिलेश यादव से करने को राजी नहीं थे। हालांकि बाद में दोनों परिवार राजी भी हुए और दोनों की शादी भी हुई। साल 1999 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए थे। अखिलेश यादव से विवाह के बाद वो उत्तर प्रदेश के एक बड़े राजनीतिक घराने की बड़ी बहू बनी। उन्होंने भी परिवार की राजनीतिक कमान में पति अखिलेश यादव का भरपूर साथ दिया। हाल ही में उन्होंने अपने ससुर दिवंगत मुलायम सिंह यादव के मजबूत पकड़ वाली सीट मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव जीता है। शादी से पहले तक राजनीति से दूर दूर तक का वास्ता न रखने वाली डिंपल यादव आज एक मंझी हुई राजनेता के तौर पर जानी जाती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।